2022 यानी कि अगले साल यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बीच कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगी या रायबरेली सीट से। लेकिन इन सारी अटकलों पर अब विराम लग गया है। कब कैसे कहां सब बताते हैं। दरअसल कांग्रेस के टॉप सोर्सेज ने इन खबरों पर फुल स्टॉप लगा दिया है और कहा है कि ये खबर सरासर बकवास है। प्रियंका गांधी कहीं से चुनाव नहीं लड़ने वाली। गांधी परिवार का कोई भी सदस्य विधानसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार हिस्सा नहीं लेगा। अब आपको बताते हैं कि इन अटकलों को हवा कब कहां और किसने दी। दरअसल दो दिन पहले की बात है, प्रियंका गांधी से रायबरेली दौरे के दौरान उनके ही कार्यकर्ताओं ने इस सीट से चुनाव लड़ने की मांग की। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकती, लेकिन पार्टी में इसको लेकर चर्चा जरूर करूंगी, जैसा निर्देश होगा वैसा किया जाएगा। फिर क्या था, तभी से ही ये अटकलें लगना शुरू हो गईं कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने वाली हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सोर्सेस के मुताबिक कांग्रेस साफ इशारा कर रही है कि यूपी में प्रियंका ही सीएम का फेस बन सकती है। प्रियंका की मौजूदगी किसी एक सीट पे नहीं बल्कि पूरे यूपी के लिए जरूरी है। कांग्रेस के आला कमान कभी ऐसा दाव नहीं चलेंगे जिससे गांधी परिवार के नेतृत्व पर सवाल उठे। तो फिलहाल इसका मतलब ये हुआ कि गांधी परिवार की विधानसभा चुनाव न लड़ने की परंपरा जारी रहने वाली है।